एक वन नेशन वन इलेक्शन की हो, कैसे देखने से आप? फट्टा फट्टा, ध्यान ध्यान हटाने का फट्टा, बस जादूगरी की जादूगरी काम नहीं आ रही, बाजीगरी की बाजीगरी काम नहीं आ रही। तो उसने एक नया अपने हेड में से नया मुर्गा निकाल दिया है। अब इस मुर्गे को देखो, ये कबूतर है। अब वो लोगों को बार बार ये दिखा जाएगा, ये कबूतर है, ये कबूतर है। लोग दो चार दिन इसी में उलझे रहेंगे, इतने दिन में इलेक्शन निपटने का, हरियाणा का चुनाव हो जाएंगे, बात खत्म। 12,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं, अगर इस तरीके का कोई बिल आ जाता है और बार में ही पूरे देश अगर होते हैं तो 12,000 करोड़ देश के रुपए बचेंगे। 12,000 करोड़ तो आपके वैसे भी बच सकते हैं। मोदी जी से मैं साफ साफ अपील करता हूँ, ऑन ड्यूटी अपने जो है रैलियों में जाना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, राज्यों में जाके चुनाव प्रचार बंद कर दीजिए। एक रैली का खर्चा 25 से 30 करोड़ आता है, छोटी से छोटी रैली का, और थोड़ी बड़ी रैली होती है तो 100 करोड़ से कम का खर्चा नहीं बैठता। आप देख लीजिए आज तक मोदी जी ने 9.5 साल में 10.5 साल में करा क्या, रैलियों के अलावा क्या करा है। अब भी वो बार बार तो उनका बड़ा महिमा मंडन करा जाता है, मोदी जी ने कभी छुट्टी नहीं ली, मोदी जी छुट्टी नहीं लेते। भाई छुट्टी नहीं लेते तो हरियाणा में क्या, कुरुक्षेत्र में क्या करने गए थे, ऑन ड्यूटी गए थे। जम्मू कश्मीर में क्या करने गए थे, ऑन ड्यूटी गए थे। सारा सरकारी पैसा आप खर्च कर रहे हो, सरकारी पैसा तो वैसे ही बच जाएगा, आप जाके उसमें चुनाव प्रचार बंद करो, पार्टी के खर्च पे करो, सरकार के खर्च पे क्यों करते हो? जो दिन का आपका सुरक्षा बलों का खर्चा है, जो आने जाने का खर्चा है, जो हेलीकॉप्टर का, हवाई जहाजों का खर्चा है, जो वहाँ के लोकल उसका खर्चा है, सारा पार्टी फंड में डालो ना, पार्टी फंड से दिलवाओ, आपका खर्चा तो वैसे ही बच जाएगा। नहीं, लेकिन खर्चा तो सरकार का कराना है, सरकार के खर्चे पे मौज लेनी है। पिछली बार अभी चुनाव थे जब, इसमें आपके यूपी में कई सारी उनकी रैलियां हुई थी, रेलवे डिपार्टमेंट ने उनका पैसा दिया, रेलवे ने, रेलवे क्यों देगा भाई उनका पैसा, पार्टी को देना चाहिए था ना। लेकिन ना, रेलवे की जमीन पे हुआ था वो आयोजन, तो रेलवे ने पैसा दिया उनका, तो सरकारी खर्चे का तो आप बर्बाद इसी तरह कर रहे हो। वो ये अगर 12,000 करोड़ रुपए बन जाता है, वो कह रहे थे इसे कई अच्छी योजनाओं में लगाएंगे। अगर चलिए मान लीजिए वो तो एक के रूप में खर्च हुआ, लेकिन अगर ये वाला रुपए बच जाता कोई, वो कह रहे हैं हम किसी अच्छे काम में लगाएंगे। किसी अच्छे काम में क्या, हमारे देश की जीडीपी इतनी थोड़ी सी रह गई है, हमारी सारी की सारी जीडीपी, हमारा सारा का सारा बजट मात्र 12,000 करोड़ पे ही घूम रहा है। 12,000 करोड़ तो वैसे ही बच जाते अगर आप भ्रष्टाचार नहीं करते। आपने देखा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपए की वो मूर्ति और एक ही उसमें ढह गई। आपने उज्जैन में महाकाल में पिछले साल देखा होगा, सप्तऋषियों की मूर्ति लगाई गई थी, कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा आपने, सातों के साथ ही मूर्तियां एक आंधी तूफान में ढह गई। उसके बाद आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से जा रहा है, 18 करोड़ रुपए एक किलोमीटर की लागत थी, उसे आपने एक किलोमीटर की लागत को 250 करोड़ पहुंचा दिया। 250 करोड़ एक किलोमीटर की लागत को, 18 करोड़ से 250 करोड़, 230 करोड़ तो यही हो गए। आप गिनती गिनना शुरू करो, 12,000 करोड़ तो आपके वैसे ही बच जाएंगे। आप भ्रष्टाचार तो खत्म करो। आपने कहा था अजीत पवार भ्रष्टाचार है, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, और उसको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और उसमें आप 70,000 करोड़ उसका बरामद करते तो आपके 12×5=12,672 गुना जाके हो जाता, आपका वसूल हो जाता, लेकिन नहीं करा, उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब आप पैसा क्यों नहीं बचा रहे? आप जो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था, चक्की पीसिंग पीसिंग आपका मोदी जी का बयान था, उसे शामिल करके उसकी संपत्ति जब्त करते? नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो आपकी पार्टी में शामिल हो चुका है, तो आपके तो पैसे वैसे ही बच जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये केवल ऐसा हरियाणा चुनाव के लिए जुमला वो आया है? हरियाणा चुनाव तो ये हारे पड़े हैं सिर्फ, बाकी और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए करा गया। आज की डेट में जो सबसे बड़ा हमारे को चीन जो है चुनौती दे रहा है, उस चीन से ध्यान भटकाने के लिए करा गया। जनरल CDS हमारे चौहान का जो है, चौहान साहब का आज ये बयान आया था कि चीन से लंबी अवधि के युद्ध के लिए हमें तैयार रहना होगा, ये साफ साफ उनका बयान है। लेकिन अखबार में जगह कहाँ मिली उन्हें, 14वें पेज पर सबसे बड़ा मुद्दा वो है, उस मुद्दे को दबाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है हवा में डाल दिया गया है। अब जो भी होता रहे, कल को जो होगा देखा जाएगा, जब देश हमारा भुगतेगा भुगतेगा, लेकिन महामानव की उस पे इमेज पे आँच नहीं आनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में एक सवाल और था सर, ये कि जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए करना चाहते हैं ताकि 5 साल काम ना करना पड़े, जैसे कई राज्यों में चुनाव होते हैं तो एक प्रेशर रहता है सर, प्रेशर रहता है काम का, वो तो है ही है। हालांकि ये बात पूरी होने वाली किसी भी कीमत पे नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है उदाहरण वो ये देखिए, लंबी अवधि के युद्ध को तैयार रहे चौहान, अच्छा इसी से ध्यान भटकाने के लिए, ये ध्यान भटकाने के लिए आज जनरल CDS हमारे जो चौहान साहब है उनका ये बयान है, और ये बयान उन्होंने दिया है चाइना के संदर्भ में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच बुधवार को कहा कि भारत की सैन्य तैयारी अत्यंत उच्च स्तर की होनी चाहिए। ठीक है जी, अत्यंत उच्च स्तर की होनी चाहिए, मतलब सीधा सा है कि है नहीं। सेना को छोटे संघर्षों के साथ लंबी अवधि के युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए। आप जैसे चाइना का मुद्दा, इस मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए, हटकाने के लिए भी हुआ है कई, एक बार चाइना ने जो हमारी जमीन एक्वायर की थी तब भी कहीं ना कहीं जो है मोदी जी ने कहा था कोई जमीन नहीं है, बस बस वही चीज अपनी छवि चमकाने के लिए, ना कोई आया ना कोई घुसा, उसे पहले क्लीन चिट दे रखी है और अब भी क्लीन चिट दे रहे हैं। अब ध्यान भटकाने के लिए सारा का सारा मीडिया चैनल आज सुबह से इसी काम में लगा हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में आपने पूरे सुबह से अभी तक मैं देखता रहा हूँ किसी भी TV चैनल पे कोई चर्चा नहीं है,
किसी भी मीडिया हाउस का ट्विटर हैंडल पे कोई ट्वीट नहीं है, कहीं कोई इस बारे में खबर नहीं है। अखबार ने छापी और ये अखबार ने भी छापी है 14वें पेज पर, 16 पेज का अखबार होता है पेज पर छापी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने के जो बड़े लोग जो लोग इंटरव्यू भी कर पा रही ना बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इन खबरों पे पैनी नजर रखनी पड़ेगी छुपाने के लिए 14वें पेज पर अखबार पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, उसके बाद आदमी का जो है कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है, पन्ने पलटे पलटे आधा छोड़ा चलो फेंका अपने काम धंधे पे निकल गए, अखबार खाड़ा रोटी लपेटी अगले दिन रोटी लेकर चले गए, रोटी खाई अखबार की बत्ती बनाई कूड़े में फेंक दिया, किसी को याद नहीं रहती ये बात। याद कब रहती है? जब मीडिया चैनल में टीवी डिबेट्स में ये मुद्दे उठाए जाते हैं तब दिमाग में ये चीजें घर करती हैं, अदरवाइज ये मामला जैसा उठा था वैसा का वैसा दब जाएगा। अमित शाह की ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, तो उनसे एक क्वेश्चन उन्होंने बड़े तरीके से कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, दूसरा ही उनसे क्वेश्चन पूछा गया था राहुल गांधी के बारे में, किसी ने राहुल गांधी को जो बीजेपी के एक नेता है उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी तक कहा था, फट्टू नेता फट्टू ने बिट्टू नहीं है फट्टू है वो रवनीत सिंह बिट्टू नहीं है वो फट्टू है, सामने आके बोले हिम्मत है कांग्रेस का खाया कांग्रेस में समर्थन लिया कांग्रेस में उसके वो जो उसके दादाजी थे बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, इतना पुराना कांग्रेसी हो गया आज पता नहीं 2 कौड़ी के किसके लालच के चक्कर में चिकन के लालच में चक्कर गए या मटन के लालच में चक्कर में जाके बीजेपी भी गोद में बैठ गया जाके, और बीजेपी में जाने की सबसे पहली शर्त यही है कि आप बीजेपी में शामिल हो गए तो पहला टारगेट आप कांग्रेस और राहुल गांधी जी को करोगे, दूसरा टारगेट इंदिरा गांधी जी को, तीसरे टारगेट पे नेहरू जी का नंबर आएगा, तो अगर आप में ये योग्यता है तो आप आ जाओ, वहां जाते ही सबके सुर बदल जाते हैं, इतने सालों से कांग्रेस में दादा पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्हीं दादा की जो आतंकवादियों ने जान भी ली थी, कांग्रेस ने फिर उसके बावजूद भी अपनी प्रधानमंत्री का भी जान चुका के दाव पे लगा के जब उसके बावजूद भी कांग्रेस ने आतंकवाद वहाँ खत्म करा पंजाब को आतंकवाद मुक्त करा, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देखे और आज वो फट्टू कितनी बकवास कर रहा है यार हद हो गई। अमित शाह जो है उन्होंने इस प्रश्न का जवाब देने से भी मना कर दिया, कह रहे ये राजनीतिक सवाल इसका जवाब वो नहीं देंगे ना जवाब, वही तो बात है वो जवाब नहीं देंगे वो नहीं देते, वो तो अकड़ दिखा रहे थे ये आप मेरे से डिबेट करने आए हो या बात करने आए हो, मैं बहस नहीं करना चाहता इस मसले में, अरे भाई आपसे सवाल ही तो पूछा इसमें बहस किस बात की होगी, डिबेट दो लोगों की आपस में खड़े हो गए होती है जी मैं कुछ बोलूं और आप कुछ बोले, जब आप गृहमंत्री हो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस पर बयान कैसे नहीं दोगे, आपका कोई भी बंदा आपकी पार्टी का कोई भी कुछ भी बोल जाता आपके सिर पे जूनी रेंगती आपके कानों पे जूनी रेंगती बोल के निकल देता, ये तो उसका व्यक्तिगत बयान है, और यही सेम कांग्रेस पार्टी में अगर कोई व्यक्तिगत बयान दे दे तो सारी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार हो जाती है, लेकिन आपकी पार्टी से अगर कोई व्यक्तिगत बयान दे दे तो उसका व्यक्तिगत बयान है, तब आप जिम्मेदारी लेने से जाते हो। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है फिर भी उन पर इस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष है, शैडो प्रधानमंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त है और उसके बावजूद भी अगर ये है इस तरह की हरकत होनी थी बहुत शोचनीय विषय है, और मैं बार बार राहुल गांधी जी से अपील करूंगा सारे कांग्रेस से अपील करूंगा सुरक्षा को ध्यान रखें, कहीं भी कल को कुछ भी अनहोनी होगी तो इस सरकार ने तो हाथ खड़े कर देने जी, हम क्या करें पब्लिक में इस तरह का उनके खिलाफ माहौल पैदा हो रहा था पब्लिक ने कुछ कर दिया तो हम क्या करें और हम क्या करें कहते हाथ खड़े कर लेगी, लेकिन उस अनहोनी को वापस नहीं लिया जा सकेगा। राहुल गांधी जी कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, हर चीज़ पर अपनी सतर्कता बरतिए, कहीं भी अब ये पार्टी जो है मौखिक तौर पर वैचारिक तौर पर सैद्धांतिक तौर पर किसी भी तरह से अभी आपसे जीत नहीं पा रही तो अब ये लास्ट एंड फाइनल किसी ना किसी तरह जलील हरकतों पर उतरेगी ही उतरेगी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को।